योर नेक्स्ट टॉपिक इज द स्कल। दिस इज द पार्ट ऑफ आवर स्कल, है ना, ये हमारे स्कल्स का बोन है। इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं? 21, है ना। टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं? 21 बोन्स होते हैं, जो हमारे फेस को, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और ये हमारे फेस को भी फॉर्म करता है ना। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के आप लोगों को देखते होंगे, किसी का फेस गोल होता है, किसी का फेस डायमंड शेप में होता है, किसी का फेस स्क्वायर शेप में होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट होता है ना। तो ये बोन्स का स्ट्रक्चर के कारण होता है ना। टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं इसमें? 21 बोन्स होते हैं। ये बोन्स हम लोग के बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, हु इज आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पुरानी चीज़ों का स्टडी करते हैं ना, जैसे कि जितने भी फॉसिल्स, फॉसिल्स आप लोग आगे पढ़ेंगे। सिंपल शब्द में अगर आप ये कहें कि पुराने मंदिर वगैरह का जो खोज वगैरह करते हैं ना, या जो बहुत पुराने साल का जो आपको जैसे सुने होंगे डायनासोर का बोन्स मिला, तो डायनासोर का बोन्स का को सर्च करने का काम या फिर उसको स्टडी करने का काम कौन करता है? ये काम आर्कियोलॉजिस्ट का रहता है ना, आर्कियोलॉजिस्ट इस काम को करते हैं। आपको ये जानकर के बहुत आश्चर्य होगा कि अगर किसी व्यक्ति को, है ना, 1000 ईयर्स भी पहले भी अगर उसको बेरिड कर दिया गया हो, यानी दफना दिया गया हो, है ना, मिट्टी में अगर उसको दफना भी दिया जाता है, तो उसके बॉडी का मैक्सिमम पार्ट जो है वो मिट्टी में, सॉइल्स में वो मिक्स हो जाता है, लेकिन स्कल्स जो होता है ना वो बचा हुआ रह जाता है। स्कल्स वो डैमेज नहीं होता, वो डिकेड नहीं होता। डिकेड का मतलब होता है धीरे धीरे करके नष्ट होना, है ना, वो नष्ट नहीं होता है, वो रह जाता है। ये भी शो करता है कि स्कल जो है सबसे ज़्यादा हार्ड पार्ट होता है, और हार्ड रहना भी चाहिए, क्योंकि हमारा, हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट का ये प्रोटेक्शन करता है ना, हमारे ब्रेन को वो प्रोटेक्ट करता है। इसलिए भगवान भी इसको बनाया है तो बहुत ही सोच समझ करके और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको प्रोटेक्ट किए हैं, है ना। स्कल जो है हम लोग के बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसलिए आप अपने, जब भी आप खेलते हैं, कूदते हैं, तो आप प्रयास कीजिए कि आपके सर पे चोट ना लगे, है ना। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि आपको सबके सर में वो चोट ना लगे, क्योंकि चोट लगने पे कहीं ना कहीं आपके बॉडी में कभी ना कभी किसी भी एयर में आपको परेशानी आ सकती है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्कल्स को प्रोटेक्ट करके रखना, है ना। क्योंकि स्कल्स क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया। वन इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर स्कल इज दिस पोर्शन इज फिक्स्ड, कम्प्लीटली फिक्स्ड, है ना, ये मूव नहीं करता है। मूव करने वाला जो पार्ट होता है ये हमारा लोअर जॉ होता है। दिस इज आवर लोअर जॉ एंड दिस इज आवर अपर जॉ, है ना। ये अपर जॉ का मतलब हुआ ऊपर वाला जबड़ा, और ये हुआ आपका लोअर जॉ। लोअर जॉ का मतलब नीचे वाला जो आपका जबड़ा है ना। तो हमारे बॉडी में जो स्कल्स होते हैं, हमारे बॉडी में जो स्कल है, उस स्कल का सिर्फ ये वाला पोर्शन ही मूव करता है, लोअर जॉ, जिसके कारण हम लोग बोल पाते हैं या फिर कुछ खा पी पाते हैं, है ना। लुक हियर, दिस इज आवर ब्रेन एंड दिस इज प्रोटेक्टेड अंडर आवर स्कल। हमारे स्कल में ये हमारा ब्रेन जो रहता है वो प्रोटेक्टेड रहता है। आज से 40 लाख ईयर्स जो है हम लोगों का जो ब्रेन था उतना डेवलप नहीं था, लेकिन ये देखने में बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि चिंपैंजी का होता है ना। चिंपैंजी का ब्रेन और हम लोगों का ब्रेन जो है वो देखने में एक जैसा लगता था, लेकिन दोनों के लुक में डिफरेंस था। ओके, द स्पाइन, वेयर यू विल फाइंड द स्पाइन इन योर बॉडी, लुक हियर, लुक दिस डायग्राम। दिस पोर्शन, है ना, इन दिस पोर्शन यू विल फाइंड द स्पाइन। इन सिंपल वर्ड यू कैन से द स्पाइन इज अ बैक बोन। हम लोग का जो बैक बोन है ना, डैट इज आवर स्पाइन। लुक द डायग्राम ऑफ
और स्पाइन, दिस इज आवर स्पाइन। डू यू नो वॉट इट कैन डू, ये क्या कर सकता है? इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम जर्क, है ना, हम लोग को ये जर्क से बचाता है। क्यों? क्योंकि ये आप देखिए, आप इसमें छोटे छोटे बोन्स आपको दिखाई दे रहे होंगे ना, दिख रहा है आपको, छोटे छोटे पीस में आपको दिखाई दे रहे होंगे ना, ये जो छोटे छोटे पीस जो जो आप इसमें दिखाई दे रहे हैं, डैट इज कॉल्ड वर्टेब्रा, है ना, इसको वर्टेब्रा कहते हैं। और ये कंप्लीट जो है, आप टोटल नंबर ऑफ वर्टेब्रा कितने होते हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ वर्टेब्रा इसमें 33 होते हैं। इसको ध्यान से देखेंगे तो यू विल सी डैट एक वर्टेब्रा के नीचे एक वर्टेब्रा, है ना, इस प्रकार से वो एक दूसरे से वो एडेड रहता है ना, जुड़ा हुआ रहता है। टोटल नंबर ऑफ वर्टेब्रा मैंने आपको कितना बताया, टोटल नंबर ऑफ वर्टेब्रा जो होता है वो 33। सिंगुलर को हम लोग वर्टेब्रा कहते हैं और प्लूरल व्हाट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड वर्टेब्री, है ना। व्हाट डू वर्टेब्री डू, वर्टेब्री क्या करता है? इट हेल्प्स अस टू बेंड आवर बॉडी एंड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। आप वर्टेब्रा के कारण ही जो आप अपने बॉडी को आप बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, है ना। ये हमारे बॉडी को जर्क से भी बचाता है। जर्क का मतलब जैसे कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, है ना, गाड़ी चला रहे हैं, या फिर आप जंप करते हैं, तो जंप करने पर क्या होता है कि तो ये नीचे की ओर थोड़ा सा दब जाता है, ये जस्ट लाइक स्प्रिंग की तरह काम करता है ना। स्प्रिंग जिस प्रकार से आप उसको अगर प्रेस कीजिएगा तो वो दब जाता है और फिर वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में वो आ जाता है। द स्पाइन से रिलेटेड जो पॉइंट्स है उसको फिर से सुनिए। स्पाइंस स्कल से जुड़ा हुआ रहता है। स्पाइंस छोटे छोटे बोन्स से मिलकर के बने होते हैं और ये स्प्रिंग की तरह काम करते हैं जो हमको किसी प्रकार के जर्क से बचाता है। वर्टेब्री का क्या काम है? ये हमारे बॉडी को बेंड करने में, है ना। जब आप खुद को, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखते हैं कि आप आसानी से अपने बॉडी को आप आगे पीछे उसको मोड़ पाते हैं, है ना। दिस इज ड्यू टू द स्पाइन। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर यू। ओके।